दोस्तों, आज के इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा भी आज की ये जो वीडियो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, विशेषकर उन नए अकाउंटेंट लोगों के लिए जिनकी अभी जॉब लगनी है या फिर उन्होंने किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो स्पेशल हमारे चैनल्स के एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है भी जब उन्होंने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था भी हमने हमारी कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपए की अमाउंट पे की गई है और इनवॉइस की वैल्यू है जो 2 लाख रुपए ही है, आप हमें इसकी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल एंट्री करके बताओ। तो दोस्तों, जो गलतियां उन व्यूवर्स ने करी है तो उनको देख के देख के जो उनके साथ इंटरव्यू में और भी थे तो सेम उन्होंने वही गलतियां रिपीट वो करते गए। तो आज की वीडियो में हम ये बात सारी बातें प्रैक्टिकली जानेंगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम टैक्स के कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए TDS की भी एंट्री साथ करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारे आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं उस क्वेश्चन की जो इंटरव्यू के टाइम में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर इसका जवाब सोच समझ के दिया जाए तो बहुत इजी तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में इसका आंसर उन्होंने दे दिया जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन यही था भी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 121, इनवॉइस की वैल्यू 2 लाख है और उसकी पेमेंट है जो चेक के द्वारा कर दी गई। तो उन्होंने जो गलती करी जब उन्होंने प्रैक्टिकल एंट्री उनसे करवाई गई तो उन्होंने क्या किया, पेमेंट वाउचर में गए, पेमेंट वाउचर उन्होंने यूज किया, जो चेक दिया था चेक का नंबर उन्होंने यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया और उसका ग्रुप यहाँ पर रखा सैंडी डेप्टर में और इंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर इसकी अमाउंट डाल दी 2 लाख रुपए की और उसके बाद में SBI बैंक को क्रेडिट कर दिया। और ये एंट्री करते उन्होंने बोला भी इस क्वेश्चन की ये एंट्री होगी। तो इसी टाइप की सेम जो गलतियां जो उनके साथ किए हुए तो उन्होंने सेम इसी टाइप की एंट्रियां उन्होंने भी कर दी, तो जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। तो दोस्तों, रिजेक्ट होने का कारण क्या है, क्या आपके माइंड में भी इसी टाइप की एंट्री चल रही है भी इसी क्वेश्चन का सेम यही तरीका होगा, इसका आंसर यही होगा भी हम पेम कॉन्ट्रैक्टर को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे और इतने में हमारी इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो 100% कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ऐसा है तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, सारी बातें आपके माइंड से भी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, जो उन्होंने गलतियां करी थी हम गलतियों को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। जो सबसे पहला सवाल जो उनको करना चाहिए था वो यही था भी जो कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, अगर वो उसकी कोई कंपनी है, रजिस्ट्रेशन है, GST नंबर वगैरह उन्होंने अपनी कंपनी का ले रखा है तो उन कंपनी का नाम हमें बताओ। या उन्होंने ये पूछा भी अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 121 भी इनवॉइस नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है अभी तो वो इनवॉइस हमें दीजिए, हम उस इनवॉइस को देख के एंट्री करेंगे। तो पहली गलती उन्होंने न तो इनवॉइस मांगा, न उन्होंने कंपनी का नाम पूछा और न ही तीसरा उनका कोई पैन नंबर लिया। तो ये गलती उन्होंने सबसे मेजर करी। अब हम बात करते हैं भी इसकी प्रैक्टिकल एंट्री क्या थी भी। अगर मान लीजिए उन्होंने ये बोला है भी हमें इनवॉइस नंबर 121 के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दिए, जो इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए ही है, यानी कि इनवॉइस की वैल्यू 2 लाख रुपए है और हमने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को, अब इसकी एंट्री आपको करनी है। तो दोस्तों, उन्होंने सेकंड जो गलती करी उसको जो TDS की जो लाइबिलिटी बनती है उसको भी उन्होंने ध्यान में रखा, टैक्स कंप्लायंस को तो बिल्कुल इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अब मान लीजिए अब कंपनी है, अब कंपनी का नाम है ABC कॉन्ट्रैक्टर, अगर कंपनी आपको ये नाम अवेलेबल करा देती है आपके मांगने के बाद में और ये आपको पैन नंबर अवेलेबल करा देती है तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रूल का भी ध्यान में रखना है भी रूल क्या कहते हैं भी, जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं जो सेक्शन है 194C की, 194C हम देखेंगे यहाँ पे 194C की कॉन्ट्रैक्ट TDS की भी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट नॉट कवर्ड अंडर 44A, यानी कि अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो 1% TDS डिडक्ट करेंगे, अगर कंपनी है या फिर कोई फर्म है तो उसके 2% TDS है जो डिडक्ट हम करेंगे।
तो इसकी एंट्री, प्रैक्टिकल एंट्री क्या होगी वो हम करके देखते हैं। तो दोस्तों उनका क्वेश्चन था भी 2 लाख रुपए ही की अमाउंट है इनवॉइस की और 2 लाख रुपए की पेमेंट हमने कर दी। तो अब पूरा कंप्लीट देखना इस वीडियो को। अब सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर चेक का नंबर है जो यहाँ पर पोस्ट कर दिया, और उसके बाद में अब कंपनी का नाम हमने पूछा तो कंपनी का नाम उन्होंने बता दिया ABC कॉन्ट्रैक्टर। तो हमें ABC कॉन्ट्रैक्टर के नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप हमने सैंडी डेप्टर रख दिया, और उसके बाद में पेन नंबर, यहाँ पर पेन नंबर कंपलसरी है तो पेन नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। ये पेन नंबर हमें अवेलेबल कराया गया, हमने इस पेन नंबर को यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए इनवॉइस आपके पास नहीं है, अगर है तो आप उस इनवॉइस में से देख के GST नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इनवॉइस नहीं है लेकिन इस इनवॉइस का पता है भी आपका 2 लाख रुपये का इनवॉइस है, तो आप इन GST नंबर को हम एक बार छोड़ सकते हैं, हम इनवॉइस को देख के बाद में यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें इसकी जो पेमेंट करनी है 2 लाख रुपये की, हमने जो चेक काटा वो ABC कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। अब जो TDS हमें जो मतलब अमाउंट हमें जो देनी है 2 लाख रुपए का, तो इन्वॉइस है 2 लाख रुपए का। अब हमें एक बात यह है भी 2 लाख रुपए की पूरी पेमेंट अब जो नहीं हो पाएगी। अब पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ेगी, TDS को डिडक्ट हम करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे कितने रुपए का, अगर इंडिविजुअल है तो 1%, अगर कंपनी है या फिर फर्म है तो 2% के हिसाब से। अब 2 लाख रुपए की वैल्यू, तो 2 लाख रुपए का यानी कि 1% 2000 रुपये। अब हमें जो पेमेंट करनी है वो TDS की अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करनी है, यानी कि अगर 2 लाख में से हम 2000 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी कॉन्ट्रैक्ट को जो पे करेंगे वो 1,98,000 रुपये की अमाउंट बचेगी। हम 1,98,000 रुपये की अमाउंट करेंगे टू बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब ये अमाउंट हमने जो TDS की एंट्री डिडक्ट हमने कर लिया, TDS की डिडक्ट, तो ये इसकी एंट्री हमारी बनेगी एज पर TDS के रूल के अनुसार, इनकम टैक्स के रूल के अनुसार भी। हमें अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है या फिर टोटल 75,000 से ज़्यादा है तो हम उसको 1% के हिसाब से TDS है जो डिडक्ट करेंगे। तो वो हमने TDS की एंट्री हमने साथ के साथ कर ली है। लेकिन जब इंटरव्यू के टाइम में जो इंटरव्यू दे रहे थे, प्रैक्टिकल एंट्री तब उन्होंने करी थी, तब उन्होंने इस TDS के टैक्स कंप्लायंस को तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। और अब हमारी जो बारी आएगी TDS की टैक्स की डिपॉजिट करवाने की, तो अब हमें उसकी एक जर्नल एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापिस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम डेबिट करेंगे। ABC कंपनी को और 2000 रुपये, और उसके बाद में TDS का हमारे पास एक लेजर अलग से क्रिएट होगा विद TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 94C, और ये हमारे लिए अब करंट लाइबिलिटीज बन चुका है, तो हम इसको करंट लाइबिलिटीज में डाल सकते हैं या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम इसको डाल देंगे, TDS में हम डालेंगे। तो इसका हम TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से यहाँ से TDS की नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर लेंगे। तो अब ये हमारी जो TDS के 2000 रुपये की लायबिलिटी बन चुकी है। अगर हम इसका अब ABC कॉन्ट्रैक्ट का अगर लेजर हम देखेंगे, डेबिट हम करें लेजर को ओपन करेंगे ABC कॉन्ट्रैक्टर को, तो अब ABC कॉन्ट्रैक्टर की अब वैल्यू आप देख रहे हो टोटल 2 लाख रुपये की है, और जब इसका इनवॉइस आएगा तो 2 लाख रुपये का इनवॉइस हम इसका ABC कॉन्ट्रैक्टर का हम जमा कर लेंगे। तो अब इसका जो लेजर है ABC कॉन्ट्रैक्टर का जो कंपनी का है वो लेजर हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन जो हमें पेमेंट जो करनी थी वो TDS से डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसी का ही हम चेक का जो इशू करते हैं, कि अब ये हमारे जो हमने रिवर्स किया है, जो हमारे पास इनवॉइस आएगा उसके ऊपर हमारी अब RCM टैक्स डिपॉजिट कराने की भी लायबिलिटी हमारी बनेगी। तो हम फ्रेट के ऊपर या किसी भी मतलब सर्विस पे हम RCM कैसे जमा करवाते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो आप RCM की एंट्री भी आप जरूर देखिए भी, इसको एंट्री हम जब हम TDS डिडक्ट कर लेते हैं तो RCM की एंट्री हम किस प्रकार से टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।